दोस्तों आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, इस फोटो को मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से एडिट किया है कुछ ही सेकंडों में। अगर आप भी इस तरह से फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। सारी प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करके आपको ये वाला बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। इस वीडियो में जो भी मैं PNG बैकग्राउंड यूज करूंगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपली वहां जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों अब आपको जो यहाँ साइड में सब टूल दिख रहा है, इस टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है ऐड फोटो की जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मॉडल का फोटो इसमें इंपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने मॉडल का फोटो इसमें इंपोर्ट कर लिया है। इस फोटो का बैकग्राउंड में पहले ही रिमूव कर रखा है। अगर आप लोग को बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता है, वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपली वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। अब इसको आपको थोड़ा बड़ा करना है कुछ इतना, और इसको बीच में एडजस्ट करना है। रखने के बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है और आपको साइड में सब टूल दिख रहा है, इस टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको जो यहाँ दिख रहा होगा एडजस्ट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ब्राइटनेस को आपको पूरा फुल कर देना है। उसके बाद आपको फोर्थ नंबर में सेचुरेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और इसका सेचुरेशन को आपको कम कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे हाईलाइट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको हाईलाइट पे क्लिक करना है और हाईलाइट को आपको बढ़ा देना है। हाईलाइट को बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको जो है साइन के मार्क दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है। दोस्तों फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और ऐड फोटो पे क्लिक करने को फिर से वही फ़ोटो को आपको इसमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको सिर्फ फ़ोटो पर इसको एडजस्ट करना है, जितना है फ़ोटो इसको उतना पे इसको एडजस्ट कर देना है। दोस्तों एडजस्ट करने के बाद आपको जो यहाँ इरेज़ टूल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है इन्वर्ट। इन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो को जूमआउट करना है और आपको जो हैंड है इस पर आपको इस तरह से ब्रश कर देना है। कपड़ों पर नहीं, सिर्फ आपको फेस और हैंड पे इसको ब्रश करना है। कपड़ों पर नहीं, कपड़ों का जो है वैसा ही आपको रहने देना है, सिर्फ आपको हैंड और फेस पर ही इस इफेक्ट को, यानी जो डबल फोटो ऐड किए हैं उसका जो पिक्चर है आपको सिर्फ हैंड और फेस पर सिर्फ दिखना चाहिए, कपड़ों पर नहीं। तो चलिए दोस्तों मैंने फेस पर भी आप सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब जितना आराम आराम से इस फोटो पर सेलेक्ट कीजिएगा उतना अच्छा आपका फोटो एडिट हो पाएगा। तो दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पे एडिट कर चुका हूँ। अब आपको साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने को दोस्तों फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको फ्लैग का फोटो एक इसमें इंपोर्ट कर लेना है। फ्लैग का फोटो इंपोर्ट करने के बाद इसको जूम आउट करना है और ओपासिटी को थोड़ा कम करके पहले इसको एडजस्ट कर लेना है इतना, और कैपेसिटी को फुल कर देना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ ब्लेंड का टूल दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको मल्टीप्ले पर क्लिक कर देना है। मल्टीप्ले पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इरेज टूल पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इरेज टूल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो अदर पार्ट है इसको आपको सिंपली रिमूव कर लेना है। अभी जो फ्लैग का फोटो इम्पोर्ट कर किए हैं इस इफेक्ट को जो है सिर्फ कपड़ों पर रहने देना है, हैंड पर से भी हटा लेना है। हैंड पर जो कपड़ा का भाग है उसी कपड़े भाग पर ही रखना है, बाकी सारी जगह से हटा लेना है, सिर्फ कपड़ों पर, क्योंकि मेरा टी शर्ट का जो है उसको सिर्फ चेंज करना है तो सिर्फ हम टी शर्ट पर इस इफेक्ट को रखूँगा। चलिए तो इसको हाल ही इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। और ये ज़्यादा ब्रश इरेज हो जा रहा है तो कैसे अब इसको भरना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहले मैंने इसको इस कर ले रहा हूँ, पहले इरेज फुल तरह से। तो
दोस्तों मैंने इरेज कर लिया। अब आपको ड्रॉ टूल पर क्लिक करना है और जहाँ जहाँ आपका ज़्यादा इरेज हो चुका है उसको आपको ब्रश कर देना है। तो दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट काम कर रहा हूँ, चलते इधर उधर हो जा रहा है, तो आप लोग आराम आराम से कीजिएगा ताकि थोड़ा भी इधर उधर नहीं निकलेगा। आराम आराम से जितना आराम आराम से कीजिएगा उतना आपका फ़ोटो बेहतरीन एडिट होएगा। अब आपको क्या करना है, साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर देना। डन करने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ टूल का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है डिप्रेशन पे, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइज को इतना रखना है और इस तरह से आपको लाइनिंग करना है। लाइनिंग करने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ साइन के मार्क दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों अब आपको इसको बड़ा करना है और साइज भी ऑप्शन क्लिक करना है, साइज को छोटा कर देना है, साइज को छोटा कर देना है। इस पर क्लिक करके इसको बड़ा कर देना, सॉरी इस पर क्लिक करके इसको बड़ा कर देना है और इस पर क्लिक करके डायरेक्शन को किधर रखना है ये आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ये मैंने रख लिया। अब आपको यहाँ साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको ऐड फोटो में क्लिक करना है और ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाला आपको पीएनजी ऐड कर लेना है और आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। फिर से आपको ऐड करना है और 15 अगस्त टेक्स्ट और फ्लैग का फोटो इसमें आपको इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने का दोस्तों 15 अगस्त को थोड़ा जूम आउट करना है और आपको यहाँ एडजस्ट करना है और फ्लैग को आपको बड़ा करना है और आपको इतना पर एडजस्ट करना है। अब उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और मूव डाउन कर देना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों फिर से टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और एडजस्ट में चले आना है। एडजस्ट में आने के बाद दोस्तों सेचुएशन पे क्लिक करना और सेचुएशन को बढ़ा देना है और डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको जो ड्रॉ टूल का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और ड्रॉ टूल के ऑप्शन में चले आना है। ड्रॉ टूल के ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव इमेज ऑफ फोटो क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए, इसी तरह का वीडियो देखने के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय।